मीटियोर के फैंस को जिस घड़ी का इंतजार था वो फाइनली आ गई है। इस साल की मच अवेटेड फिल्म देवरा थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। जूनियर एनटीआर के अपोजिट जानवी कपूर नजर आ रही हैं, वहीं सैफ अली खान विलन बनकर भौकाल काट रहे हैं। लंबे वक्त के बाद जूनियर एनटीआर की सोलो फिल्म आई है, ऐसे में फैंस के बीच में एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट जारी है। ऐसे में हमने भी इस एक्साइटमेंट के साथ फिल्म देवरा का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लिया है और लेकर हाजिर हैं आपके सामने फिल्म का वेरी क्विक रिव्यू। कैसी है देवरा की कहानी? देवरा पार्ट वन रत्नागिरी के तटीय गांव से सेट एक एंटरटेनिंग एक्शन ड्रामा फिल्म है, जहां वक्त के साथ कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते और काले रहस्य सामने आते हैं। फिल्म देवरा यानी जूनियर एनटीआर, भैरा यानी सैफ अली खान और तस्करी के कामों में शामिल बाकी के लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। जब देवरा को अपनी एक्टिविटीज की इमोरेलिटी का एहसास होता है तो मामला गर्मा जाता है, फिर वो भैरा से भिड़ जाता है जिससे उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। फिर फिल्म में देवरा का अचानक गायब होना एक रहस्य पैदा करता है जो 12 साल तक बना रहता है। भैरा जो अब रत्नागिरी पर राज कर रहा है अभी भी देवरा का शिकार करने पर तुला हुआ है और उसके बेटे वर का भैरा के साथ संबंध साजिश की परतें जोड़ता है। इस बदला लेने वाली कहानी का खुलासा ही फिल्म को आगे बढ़ाती है। बस इतना ही, अब आगे की कहानी को बिताकर हम आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहते। फिल्म आगे किस तरह से मोड़ लेती है और देवरा को भैरा पकड़ने में कामयाब कैसे होता है, ये सब जानने के लिए आपको थिएटर्स का रुख करना होगा। कैसी है कास्ट की एक्टिंग? इस फिल्म में जूनियर एनटीआर के अलावा बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान और जानवी कपूर मेन लीड में हैं। श्रुति मराठे, प्रकाश राज, श्रीकांत, नारायण, अजय और बाकी के स्टार कास्ट भी इसमें शामिल हैं। बता दें कि खास बात यह है कि सैफ अली खान एक बार फिर विलेन के रोल में नजर आए हैं। कैसा है फिल्म का डायरेक्शन? देवरा कोरातला शिवा के डायरेक्शन में बनी फिल्म है, लेकिन फिल्म देवरा की कहानी और डायरेक्शन काफी दमदार है। डायरेक्टर साहब ने फिल्म में हर एक बारीकी को ध्यान में रखते हुए इसे डायरेक्ट किया है। कुल मिलाकर ये बेहतर है लेकिन शानदार होने से कम है। बॉलीवुड के टॉप म्यूजिशियन अनिरुद्ध रविचंद्र ने म्यूजिक दिया है। देखिए, देवरा पार्ट वन में समुद्री इलाके दिखाए गए हैं जहां भयंकर लेवल के एक्शन मार कुटाई होती है। ऐसे में मेकर्स ने इन सीन्स के लिए VFX का सहारा लिया है। ऐसे में इस फिल्म को हमारी तरफ से मिलते हैं 3 stars out of 5। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।